उत्तर प्रदेश के बरेली में तमंचा दिखाकर घर में की लाखों की लूट। थाना सुभाष नगर पुलिस लूट की रिपोर्ट लिखने को पीड़ित को टहलाती रही। एसपी सिटी के आदेश पर हुआ मुकदमा दर्ज। थाना सुभाष नगर के मोहल्ला मणिनाथ निकट हनुमानगढ़ी मंदिर निवासी भूपेंद्र सिंह पुत्र राम हरन सिंह ने बताया कि घर में 1 अगस्त को सुबह 3 बजे के लगभग घर की छत पर 4 अज्ञात बदमाश चढ़कर आ गए थे। इन चारों बदमाशों ने भूपेंद्र व उनकी पत्नी को तमंचे से डरा धमका कर जान से मारने की धमकी देकर हाथ बांध कर मकान के अंदर ले गए। ये चारों बदमाश अलमारी में रखा जेवर, 2 सोने के हार, 6 अंगूठी सोने की, 5 जोड़ी कानों के कुंडल, 3 जोड़ी झाले सोने के, 1 जोड़ी टॉक्स सोने के, 1 सोने का बिस्किट, 4 जोड़ी पायल चांदी की, 1 तगड़ी, 1 गुच्छा बिछुआ चांदी की कीमत लगभग 10 लाख से अधिक व घर में रखे 40,000 रुपए नगद मोटरसाइकिल लूट कर ले गए। दुकान में रखा मोबाइल सैमसंग भी ले गए। भूपेंद्र द्वारा विरोध करने पर सिर में तमंचे की बट मार कर घायल कर दिया गया। थाना सुभाष नगर पुलिस को सूचना दी, पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। भूपेंद्र घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने थाना सुभाष नगर गए। थाना प्रभारी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और भूपेंद्र को वापस कर दिया। थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह को टहलाते रहे। परेशान होकर भूपेंद्र सिंह ने एसपी सिटी से शिकायत की। एसपी सिटी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने भूपेंद्र सिंह का मेडिकल परीक्षण बुधवार को कराया। भूपेंद्र सिंह, क्या घटना हुई आपके साथ? 1 तारीख की सुबह 3 बजे घर में बाहर के अज्ञात बदमाश आ गए थे। छत से लोग 4 लोग थे। अब मैं छत पर सो रहा था, मुझे बंधक बना लिया और मुझे कहा अगर बोलने की कोशिश, शोर मचाने की कोशिश की तो तुझे गोली मार देंगे हम। मुझे नीचे ले गए, सारा सामान अलमारी की चाबी लेकर सारा सामान जेवर निकाल ले गए। 50,000 रुपये, 40,000 रुपये, 45,000 रुपये रखे थे वो सारे ले गए। कितने लाख का जेवर था जी? कितने लाख का जेवर था? कब से सारा सामान सब? मैं मोटरसाइकिल के 10 लाख से ऊपर का सामान था। कैश कितना था? कैश 45,000 रुपये का कैश था। सभी जहाँ पर तमंचे थे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।